ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है, नॉट ओनली बिकॉज हम लोग एक स्पेशल जगह जा रहे हैं बट हम लोग आज एक स्पेशल गाड़ी में भी जा रहे हैं टेस्ला, और ये हमें मिस्ट्री गिफ्ट की तरह मिली है, तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ वीडियो में कैसे। तो ये हमको ना बजट जो रेंटल कार है वहाँ से हमने रेंट की थी, एक्चुअली उनके पास एक ऑफर, मतलब उनके पास ये रहता है कि वो मिस्ट्री कार बॉक्स खोलने का एक ऑप्शन देते हैं, तो उस कार उस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, बेसिकली कोई भी कार निकल सकती है, तो हम लोगों की वो टेस्टा निकली। तो हम लोगों को सेडान, कोई भी नॉर्मल सेडान के बदले सेम प्राइस पे ये मिली है, हम लोगों को ये पड़ी है 320 फॉर 3 डेज, जिसमें मेरा ड्राइवर एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है, अगर वो नहीं होता तो 278 कुछ एक पढ़ने दें। तो अभी इसको देखते हैं, चला के ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी लेते हैं, और काफ़ी लंबी ट्रिप है तो क्या चार्जिंग का कैसा क्या है सारा कुछ वो डिस्कस करते हैं। 505 की रेंज दिखा रहा है अभी, और ये है 89% टोबर मोरी के लिए हम लोगों को लग रहा है, 172 किलोमीटर दिखा रहा है नेक्स्ट चार्जर के लिए, और टोबर मोरी है पूरा टोटल 269 किलोमीटर। तो जाके देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, बाकी इसमें है तो काफ़ी सारे फीचर्स, खाना ठिकाना है, DMC है, ये देखो इधर रोमांस का पूरा हीटिंग चालू हो जाती है मस्त। चलो इसको एग्जिट करते हैं, बाकी अभी ये ट्रंक खुला हुआ है तो ये दिखा रहा है, मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ इसको, ट्रंक क्लोज, ये देखो क्लोज हो रहा है, गाड़ी में बैठी बैठी सारा कुछ कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर्स के आसपास चला ली है, अभी उसमें 50% से ज़्यादा है, पर जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि चार्ज करते हुए चलेंगे। तो ये रहा चार्जिंग स्टेशन, और लोग देखते हैं पहली बार चार्ज करेंगे टेस्ला, देखते हैं क्या सीन है। ये रहा, इसके सामने लगाओ, बंद करो, सो हियर इट इज होज, और ये साइड से चार्जिंग का आने लग गया, मस्त सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस इसको टच करो, इसमें लगा दो, होने लग गया। आप निकलते हैं, वॉलमार्ट सामने है, कुछ खाने पीने के लिए उठा लेते हैं फटाफट से। बाकी करीब 100 किलोमीटर के आसपास, 150 किलोमीटर के आसपास, मतलब आप भी मैंने चलाई थी भाई साहब, एक्सपीरियंस तो मस्त है, एकदम मज़ा ही आ जाता है ना चला के, एक एक्सलेटर पे जैसे ही पैर रखो पूरा एकदम फोर्स के साथ जाती है, तो मैं एकदम 0.0 से 145 पे लेके गया, स्लो करके एकदम मज़ा ही आ गया। देखते हैं और क्या सीन है। सो टोबर मोरी तो पहुँच गए, देख रहे हैं एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड है ना, तो सारी स्लॉट सब कुछ बुक है यहाँ पर भाई, पार्किंग के लिए भी स्पेस नहीं है, तो अब देख रहे हैं क्या कर सकते हैं, कुछ जुगाड़ निकाल रहे हैं अगर मिलता है तो, वरना कल के लिए एक स्लॉट मिल रहा है, परसों के लिए मिल रहा है, लेकिन जाएंगे वापस, परसों आएंगे हम लोग होटल से, यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर के आसपास आएँगे वापस, और कुछ जब तक एक्सप्लोर करते हैं।
करेंगे। और ये यहाँ पे भी शिप रैक है जो कि पूरा दिख सकता है अंदर जाके। और ये शायद से हो ही वाला है, ये अपना हाइट हाउस है। यहाँ पर पानी में जा सकते हैं पर अभी ठंडा बहुत ज़्यादा पानी है। Heading towards Lion's Head Trail. It's just not a normal trail actually. So this is one of the most anticipated trails in Ontario. Like it's around 8 kilometers up above there, and it takes around 4 to 5 hours to complete the whole trail. So it's gonna be fun. Let's see. Let's go. बेसिकली हम लोग लॉयंस लुकआउट हेड के लिए कर रहे हैं एम। सो दिस विल बी समथिंग द व्यू, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। ये बहुत बड़ा लंबा ट्रेल है इसके लिए ऑलमोस्ट 5-6 घंटे चाहिए आपको, और हम लोगों को 4 बज गए हैं, 8 बजे तक वापस आना है। तो लेट्स सी क्या सीन है, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। विल ट्राई एज सून एज वी कैन रीच लॉयंस हेड एंट्री गेट। देख कहीं बहुत पीछे रह गए हैं अभी उनका वेट करना पड़ेगा। अरे भाई साहब फुल स्टीप पत्थरों से भरा हुआ ट्रैक, और ये हम जाते हुए
मस्त लुकआउट पॉइंट है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ पे ना भाई। आराम से नीचे मत चले जाना, मैं चलो यार, पानी क्लियर है, पीछे लो पूरा स्टोन्स वगैरह दिख रहा है। ब्यूटी तो है, कुछ भी कहो, देख रहे हो ये साला सन पूरा इधर पड़ रहा है ना, तो सारा कैमरा एंगल खराब कर रहा है, वरना काफी सुंदर लग रहा है। जबरदस्त वाला हम लोग मून देख रहे हैं, सैटर्न वहाँ पे मून है, पे क्या व्यू आ रहा है उसमें से। ट्राई करता हूँ अगर कैप्चर कर पाऊँ, लगता है कैप्चर कर पाऊँगी। पर आ गया, देखो 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 आया, फोटो तो नहीं दे पाऊंगा, वीडियो चल रही है। कैप्चर तो नहीं कर पाया मैं, पर मैं छोटी सी वीडियो बनाया हूँ, ट्राई किया, लेंस बहुत छोटा है ना, तो मैंने ट्राई किया पर थोड़ा सा वीडियो निकला है। बाकी हम लोगों ने वो अपना सैटर्न है वहाँ पे, वो मून है, जुपिटर वो आ रहा है वहाँ पे, तो वो ट्राई करें अभी देखने का थोड़ा सा नीचे इसलिए। पर जो इमेज आई है इससे भाई साहब पूरा एकदम, जो अपना टीवी वीवी में देखते ना अपन, पूरा खड्डे वगैरह जो सब दिखता है प्रॉपर आया भाई,